हेलो और वेलकम दोस्तों, आज का हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लैंग्वेजेस। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट थियोरीज ऑफ लैंग्वेज, पर्पस ऑफ लैंग्वेज और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इन सब का कंक्लूजन क्या है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने के पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि सारे के सारे पॉइंट्स जो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा, ये अलग अलग लोगों की ओपिनियंस है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारी मेरी ओपिनियंस है और मैं इन सारी ओपिनियन से एग्री होता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए, लैंग्वेज ये जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड, ये बना है लैटिन वर्ड लिंगवा से, और लिंगवा का मीनिंग होता है टंग। एंशियंट लोगों का मानना था कि जब हम लोग कोई लैंग्वेज बोलते हैं तब हमारी टंग इसमें काम आती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जैसे जैसे टाइम गुज़रा, लोगों ने रियलाइज़ किया कि बोलने के लिए टंग के अलावा लिप्स है, टीथ है, हमारे लंग्स हैं और हमारे माउथ के पार्ट्स हैं, जैसे कि हार्ड पैलेट है या सॉफ्ट पैलेट है, ये सारी चीज़ें मिलकर कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो बोलना, लैंग्वेजेस को बोलना, ये सिर्फ टंग का अकेले का काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को जानवरों से, परिंदों से अलग करती हैं। उन चीज़ों में से एक चीज़ है लैंग्वेज, ठीक है। ये बात भी सही है कि कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं, कई सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो अलग अलग आवाज़ें निकाल सकते हैं, एग्रीड, ठीक है। लेकिन उन आवाज़ों के ज़रिए वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना एंगर, अपना फियर, अपने इमोशंस, या अगर वो लोग हंग्री है तो ये भी बात बता सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एनिमल्स और बर्ड्स सारी फीलिंग्स को अपनी आवाज़ों के ज़रिए बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एनिमल्स की और बर्ड्स की जो साउंड्स है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा गिनी चुनी है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट एनी फीलिंग, किसी भी फीलिंग को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, लैंग्वेज यूज़ करके वो लोग बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो दुनिया भर में बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं, सुनी जाती हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक 6000 लैंग्वेजेस हैं। कितनी? 6000 लैंग्वेजेस जो इस पूरी दुनिया में हैं। और ज़ुबानें इतनी ग्रेट हैं, इतनी वास्ट हैं कि किसी एक ज़ुबान को भी, किसी एक लैंग्वेज को भी पूरा सीख पाना इम्पॉसिबल है। लिंग्विस्ट लोग ये मानते हैं कि जो बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं, ओरल लैंग्वेजेस जो हैं, वो काफ़ी पहले पैदा हो गई थी, काफ़ी पहले बन गई थी, और जो लिखित लैंग्वेजेस हैं, रिटन लैंग्वेजेस हैं, वो कई सालों के बाद एग्जिस्टेंस में आई, यानी लिखने का सिस्टम बाद में आया। हो सकता है उन लोगों को आइडिया नहीं होगा कि हम लोग एनिमल स्किन पर लिख सकते हैं, या हम लोग जो केव्स हैं उनकी वॉल्स पर लिख सकते हैं, या हम लोग ट्री बार्क्स पर लिख सकते हैं। तो जो राइटिंग का सिस्टम था वो काफ़ी लेट स्टेज में डेवलप हुआ। तो पहले लैंग्वेज में क्या था? दो चीज़ें थी, साउंड्स थे और उनके मीनिंग्स थे। जैसे अगर मैं बोलूँ पेन, तो ये एक साउंड है पेन, और इसका एक मीनिंग है लिखने के लिए कोई चीज़, बराबर है। तो पहले साउंड एंड मीनिंग, ये दो चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे जब लैंग्वेजेस में सिंबल्स आते गए, उन्हें लिखना कैसे है लोगों को ये मालूम हुआ, तो रिटन लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है, रिटन लैंग्वेज इन्वेंट हुई। गाइस, क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसी लैंग्वेज भी हो सकती है जिसमें हम लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई साउंड नहीं है? मुश्किल है ना, लेकिन ऐसी लैंग्वेजेस हैं। जो गूंगे और बहरे लोग बोलते हैं, जो डेफ और डम लोग बोलते हैं, वो साइन लैंग्वेज है, उसमें कोई साउंड नहीं होती। वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इशारों के ज़रिए, जेस्चर्स के ज़रिए बताते हैं। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या डेफ और डम पीपल, गूंगे और बहरे लोग, सारे के सारे इमोशंस को, फीलिंग्स को सिर्फ जेस्चर्स के ज़रिए बता सकते हैं? क्या उनकी जो साइन लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है कि वो हर चीज़ को बता सकते हैं? नहीं।
इतनी डेवलप्ड तो हमारी लैंग्वेजेस भी नहीं हैं। ऐसे माना जाता है कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स सबसे वीक मीडियम है, यानी हम हमारी सारी फीलिंग्स को, इमोशंस को वर्ड्स के थ्रू नहीं बता सकते। कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं लेकिन हम उन्हें वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो लैंग्वेजेस में वर्ड्स हैं, वर्ड्स की मीनिंग्स हैं और साथ में हर वर्ड्स के एक इमेज होती है। जब हम वो वर्ड्स को कहते हैं, ये सुनते हैं, तो वो इमेज हमारे ब्रेन में कहीं तो भी एक पर्दा है, एक कर्टेन है, वहाँ पर अपीयर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ चार्जर, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके ब्रेन में एक इमेज आएगी डोंकी की, है ना फनी, ऐसा नहीं होगा। या अगर मैं कहूँ बाईसाइकिल, तो आपके ब्रेन में इमेज आएगी एक लड़की की, नहीं, क्योंकि वर्ड्स हैं उनके साथ अटैच्ड हैं साउंड्स और उनके साथ अटैच्ड है मीनिंग्स और साथ ही साथ एक पिक्चर है जो उनके साथ अटैच्ड है। लैंग्वेजेस डेड भी हो सकती हैं और अलाइव भी हो सकती हैं, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिस तरह से एनिमल्स हैं, जिस तरह से ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं। डेड वो लैंग्वेजेस जो अब बोली, लिखी, पढ़ी, सुनी नहीं जाती हैं, ठीक है, अब लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो उन लैंग्वेजेस में नहीं हैं, ठीक है, यानी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके नाम उन लैंग्वेजेस में नहीं हैं क्योंकि वो डेड हो गई हैं। लैंग्वेजेस ग्रो होती हैं, आपको पता है गाइस, लैंग्वेजेस के नेचर में है इवोल्यूशनरी एंड नॉट स्टैटिक, यानी वो इवॉल्व होते चलती हैं, ग्रो होते चलती हैं। हर रोज़ कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक लैंग्वेज में आते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उस लैंग्वेज से चले जाते हैं, एक्सपायर्ड वर्ड्स होते हैं वो, ठीक है, उन वर्ड्स का उस लैंग्वेज में कोई काम नहीं रहता है। तो लैंग्वेजेस इवॉल्व होती रहती हैं, वो स्टैटिक नहीं है, एट रेस्ट नहीं है, एक जगह पर रुकी नहीं है। असल में ये जो आइडिया है, ये चौसर की जो बुक है जिसमें उन्होंने इंग्लिश पोइट्री लिखी थी, जेफरी चौसर ने, तो उसके एग्जांपल के थ्रू मैं प्रूव कर सकता हूँ कि जो इंग्लिश जेफरी चौसर ने उस टाइम लिखी थी, आज की इंग्लिश उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और हो सकता है आज से 1000 साल बाद जो स्टूडेंट्स, जो लोग इंग्लिश बोलेंगे, वो आज की इंग्लिश से काफ़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो इंग्लिश का ग्रामर है या जो स्पेलिंग के रूल्स हैं, तो वो भी जो आज सही है, हो सकता कुछ दिन बाद गलत हो जाएंगे या कुछ दिन पहले वो गलत थे। जैसे आर यू ओके क्वेश्चन मार्क, ग्रामर के हिसाब से ये एक करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन क्या नेटिव स्पीकर्स इसी तरह कहते हैं? नहीं, वो अगर इतना भी कह दिए यू गुड, तो समझ जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, वो है डायलेक्ट। जिस तरह से लैंग्वेजेस अलग अलग हो सकती हैं, हिंदी एक लैंग्वेज है, जर्मन एक लैंग्वेज है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, लेकिन एक लैंग्वेज में अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं, उसे हम डायलेक्ट कहते हैं। ऐसे माना जाता है कि अगर आप 40 माइल्स का डिस्टेंस अगर क्रॉस कर रहे हैं, तो डायलेक्ट चेंज हो जाता है। जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, वहाँ से अगर आप 40 माइल्स जाएं नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट या साउथ, तो जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कहीं ना कहीं वो डायलेक्ट थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। क्या है लैंग्वेज? ए सिस्टम इन विच साउंड्स एंड मीनिंग्स आर रिलेटेड। लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वर्ड्स की साउंड है और उनके मीनिंग्स है। ये डिफिनेशन बहुत जल्दी रिजेक्ट हो गई, लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें रिटन सिंबल का कहीं डिस्क्रिप्शन था ही नहीं। आपको क्या लगता है, लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स हैं? नहीं, जब हम लिखते हैं तो कुछ सिंबल्स बनाते हैं हम। मैं कहूँगा पेन, तो एक साउंड है, एक मीनिंग है, लेकिन जब मैं लिखूँगा PEN पेन, तो वहाँ पर कुछ रिटन सिंबल्स हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन रिजेक्ट हो गई। ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने जो डेफिनेशन पेश की थी, जो प्रपोज की थी डेफिनेशन, वो डेफिनेशन काफ़ी फेमस हुई ऑक्सफर्ड के हिसाब से। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साउंड वर्ड्स पैटर्न्स। कि लैंग्वेज क्या है? कुछ साउंड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को बताने के लिए। अब लैंग्वेजेस क्यों इस्तेमाल होती हैं? सिर्फ बोलने के लिए? नहीं, बोलने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, और लैंग्वेजेस को हम लोग देखते भी हैं। कैसे देखते हैं? अगर एक आदमी अपने फर्स्ट फिंगर को अपने लिप्स तक ला रहा है और वो कुछ बोल नहीं रहा है,
कुछ आवाज़ नहीं निकाल रहा है, तब भी हम लोग उसकी लैंग्वेज समझते हैं, देख कर समझ रहे हैं हम साइन लैंग्वेज। या अगर हम लोग एक सिग्नल पर खड़े हैं, सामने रेड लाइट लगी है, वहाँ पर किसी ने हमको कुछ कहा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मैसेज कम्युनिकेट हुआ है तो वो ये है कि यहाँ पर रुक जाना है, ठीक है। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हो सकती हैं जो देख कर समझी जाती हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेजेस कैसे ओरिजिनेट हुई, इसका एग्जैक्ट आंसर किसी भी लिंग्विस्ट के पास किसी भी बुक में नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 मिलियन या 3 मिलियन, 20 लाख या 30 लाख साल पहले अंदाज़ा है ये लैंग्वेजेस ओरिजिनेट हुई, तब हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है कि हम बता सकें ये कैसे ओरिजिनेट हुई होंगी। हाँ, कुछ थियोरीज हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि कैसे या कब लैंग्वेजेस डेवलप हुई। हमें ये भी नहीं पता पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी। हो सकता है अंग्रेज़ लोग माने कि पहले इंग्लिश आई थी, या मुस्लिम्स माने कि पहले उर्दू आई थी, या हिंदी लोग माने कि पहले हिंदी लैंग्वेज आई थी, पर हमें हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी या फ्रेंच या जर्मन, ये सब गेस वर्क है, सिर्फ अंदाज़ा है लोगों का। हाँ, एक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन है जिसमें ये बताया गया है कि 30 लाख साल पहले जो इवोल्यूशन था ह्यूमन बीइंग्स का, तो होमो सेपियंस ये जो इंसान था, मॉडर्न मैन ये भी कहते हैं इसे, इसने अचानक बोलना शुरू किया, ही सडनली स्टार्टेड स्पीकिंग, ठीक है। अब ये बात मानने में थोड़ी सी फनी लगती है, या हम लोग इसे गाइस जल्दी बिलीव नहीं कर सकते कि कुछ नहीं हुआ, लैंग्वेज में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और अचानक कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिए। एनीवे, ये थियोरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो पहली रिटन लैंग्वेज है जिसके हमारे पास प्रूफ हैं, वो 3500 साल 3500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट सुमेरियन लैंग्वेज के हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एक ह्यूमन बींग्स में स्पेशल टाइप ऑफ जीन आया जिसका नाम उन्होंने दिया लैंग्वेज जीन, उसको वो लोग कहते थे फॉक्स P2 जीन। इस जीन की हेल्प से ह्यूमन बींग्स ने सडनली बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस जीन ने इंसानों को दिया था एबिलिटी टू टॉक। ये भी एक लोगों का मानना है। तो लैंग्वेजेस जो ह्यूमन बींग्स बोलते थे और लैंग्वेजेस जो एनिमल्स या बर्ड्स कहते हैं, ये काफ़ी अलग अलग है, डिफरेंट है। क्यों? जब एनिमल्स बोलते हैं या बर्ड्स बोलते हैं तो वो कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनकी जो साउंड्स है काफ़ी लिमिटेड हैं, वो रिपीटेटिव साउंड्स होती हैं, वो एक ही बात को ऐसा लगता है बार बार बोल रहे हैं। जैसे बिल्ली है तो म्याऊं, इसके अलावा और क्या बोलती है वो, बराबर है। तो रिपीटेटिव लैंग्वेज है, इमोशनल है, और बहुत कम वर्ड्स है एनिमल्स के पास, बर्ड्स के पास। जबकि अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो वी हैव लिमिटलेस वर्ड्स, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं, काफ़ी सारे ऐसे साउंड्स हैं जो हम लोग समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। अब अगर एक फ़न के तौर पर, फॉर फन, अगर हम इमेजिन किए कि हम एक 8-10 लोग हैं जो आज से 20-30 लाख साल पहले हैं, और हम एक क्यों में रहते हैं, बराबर है, और एक दिन रात में हम क्यों से बाहर आए, एक फायर जल रही है उसके अराउंड बैठ गए हम लोग, और हम लोगों को इन्वेंट करना है, बनाना है एक लैंग्वेज। ज़रा सोचो कितनी मुश्किल हुई होगी उन लोगों को कि उन्हें लैंग्वेज बनाना है, तो किस तरह से उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की होगी। जैसे कि सामने उन्हें एक पत्थर रखा हुआ दिखा होगा, अब अगर आपको ये कहना है कि ठीक है इस चीज़ का नाम हम लोग रखते हैं स्टोन, तो किस तरह आपने ये मैसेज दूसरों तक पहुँचाए होंगे, काफ़ी मुश्किल रहा होगा, और दूसरे लोगों ने उसे मान कैसे लिए, बराबर है। कोई तो ग्रुप में ऐसा रहा होगा जिसने कहा होगा नहीं ये स्टोन नहीं है, लेट्स कॉल इट एलिफेंट, या फिर किसी ने कहा होगा कि नहीं इसे हम लोग कहेंगे फिजिक्स या किसी और ने कुछ कहा होगा। तो गाइज, ऐसी क्या बात रही होगी कि सारे लोग इस एक बात पर एग्री हो गए कि ठीक है ये चीज़ स्टोन है, और ये बात उन लोगों ने एक दूसरे को कैसे समझाई होगी, क्योंकि उस टाइम में लैंग्वेज तो थी नहीं। तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिस्कस दिस टॉपिक। थियरीज हैं कुछ, उन पर डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहली थियरी है द डिवाइन सोर्स थियरी। इन लोगों का मानना है कि लैंग्वेज ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाए,
ठीक है, लैंग्वेज इज़ अ गिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। क्रिश्चियन गाइस बिलीव करते हैं, मानते हैं कि गॉड ने एडम को बनाया और उन्होंने बाकी चीज़ों सब चीज़ों के नाम दे दिए। जो हिंदू रिलीजन है उनके हिसाब से गॉडेस लक्ष्मी ने लैंग्वेज का गिफ्ट दिया था इस तरह से। जो दूसरी वाली थियरी है उसका नाम है नेचुरल साउंड सोर्स। अब देखिए, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, नेचुरल साउंड सोर्स, यानी इंसानों ने क्या किया, नेचर की चीज़ों को इमिटेट करना शुरू किया, उसकी नकल उतारना शुरू की। जैसे जैसे उन्होंने चीज़ों की आवाज़ें सुने तो उन्होंने उसकी नकल निकाली। अब इस थियरी के दो हिस्से हैं, पहली थियरी है बव वो थियरी और दूसरी है पू पू थियरी। हम लोग देखते हैं बव वो थियरी क्या है। अब जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर पेरेंट्स को ये बताना हो उस बच्चे को कि सामने एक डॉगी है, तो वो कहते हैं बव वो, ठीक है, यानी जिस तरह की बार्क उस डॉगी की है तो वो उस बच्चे को ये बताते हैं। या अगर एक कौवा है, क्रो है एक, तो वो कहते हैं कॉ कॉ, क्योंकि वो कौवे की साउंड है। या अगर एक सांप है तो वो बताते हैं, ठीक है। तो ये जो साउंड्स हैं चीज़ों से, ऑब्जेक्ट से, एनिमल्स से रिलेटेड, इनकी वजह से बवो थेरी, इनको बवो थेरी सपोर्ट करती है। और इन लोगों का मानना है, बवो थेरी वालों का, कि लैंग्वेज इसी तरह से ओरिजिनेट हुई है ऑब्जेक्ट्स की, एनिमल्स की, जो अलग अलग साउंड है उसकी मदद से, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म है, जो लोग बवो थेरी को नहीं मानते उनका कहना है कि जो फिर नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनके नाम कैसे पड़ गए, जैसे कि माउंटेन है, या जैसे कि फॉरेस्ट है, या जैसे कि वाटर है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इनकी तो कोई साउंड नहीं होती, फिर इनके नाम कैसे पड़े। एक और इसके अगेंस्ट में बात है, जैसे कि मुर्गे की आवाज़, अंग्रेज़ लोग मानते हैं कुका डूडल डू, ये इंग्लिश वर्ड है, इंडियन लोग कहते हैं कुकड़ू कू, और जर्मन लोग कहते हैं किकड़ी की। अब भाई, मुर्गा तो एक है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि इंडियन मुर्गा अलग आवाज़ निकालेगा और अमेरिकन अलग और ब्रिटिश अलग। तो सारे जानवर जब एक आवाज़ निकालते हैं तो फिर ये वर्ड्स चेंज क्यों हो गए, मतलब ह्यूमन बीइंग्स ने 100% नेचर को इमिटेट नहीं किया है। हो सकता है उन्होंने नेचर को इमिटेट किया और बाद में उसमें चेंजेस किए, ठीक है। तो गाइस, दूसरी वाली जो थियरी है उसका नाम है यो ही हो, ठीक है, आई एग्री कि ये नाम थोड़ा सा फनी है, पर नाम तो यही है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस थियरी के जो बिलीवर्स थे, जो मानने वाले थे या जो मानने वाले हैं, उनका उनकी ये सोच है कि जब एक वुड कटर लकड़ी काटता है, जब वो फिज़िकल वर्क कर रहा है, तब हर टाइम लकड़ी पर हिट करने के बाद उसकी एक आवाज़ निकलती है हा, या अगर आप चल रहे हैं आपको चोट लगी तो आप कहते हैं आउच, या अगर आप खा रहे हैं खाना और कोई चीज़ आपको टेस्टी लगती है तो आप कहते हैं तो ये क्या चीज़ें हैं, जिस तरह से हमारा फिज़िकल रिएक्शन होता है चीज़ों का, ठीक उसी तरह से हम आवाज़ें निकालते हैं। तो यो ही हो इस थियरी के बिलीवर्स का ये मानना था कि सारी की सारी जो लैंग्वेज बनी है, जितने भी सारे वर्ड्स हैं, वो इसी हिसाब से बने हैं, हर इमोशन के लिए एक वर्ड था। अब यहाँ पर इस थियरी को मानने में जो क्रिटिक्स थे उन लोगों ने इनकार किया। उनका कहना था कि अगर हम लोगों ने फिज़िकल वर्क के हिसाब से लैंग्वेज सीखी है तो फिर मंकीज़ ने क्यों नहीं सीखी, दूसरे एनिमल्स ने क्यों नहीं सीखी। अच्छा, दूसरी बात, अगर सारे इमोशंस का एक नाम है, उनके हिसाब से एक वर्ड जो है तो क्रिएट हुआ है, तो फिर जो चीज़ें इनएनिमेट है, जो चीज़ें बेजान है, उनका क्या, जैसे कि पेन है या चार्जर है या लैपटॉप है, तो इन चीज़ों के नाम कैसे दिए गए, ठीक है। तो ये थियरी ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं हुई। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग बातचीत करते हैं और हमारी बातचीत में कोई खास इमोशंस नहीं होते, ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है, एक सोफ़ा पर हम लोग पड़े रहते हैं और एक घंटा दो घंटे अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं, ठीक है, क्या उस टाइम हम सारी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये यो ही हो थियरी क्रिटिक्स के जरिए, क्रिटिक्स के थ्रू रिजेक्ट हो गई। अगली वाली जो थियरी थी उसका नाम था पू पू थियरी। खास बात यह है, रिमार्केबल बात यह है कि इस थियरी को प्रपोज किया था चार्ल्स डार्विन ने। उनकी एक बुक थी डिसेंट ऑफ मैन, जो पब्लिश हुई थी 1871 में, काफ़ी फेमस बुक है ये। उन्होंने ये बताया था कि
इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, तो वो अपने जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो उनको एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज के थ्रू। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू। और इसी एक्सप्रेशन की वजह से लैंग्वेज क्रिएट हुई है। उनके क्रिटिक्स ने इस थियोरी को नाम दिया पू थियोरी। ये नाम चार्ल्स डार्विन ने नहीं दिया था, ठीक है, उनके क्रिटिक्स ने दिया था। डार्विन का मानना था कि हम लोग फियर में अगर हों, डरे हुए हों, तो हमारी अलग आवाज़ आती है। अगर हम लोग एंग्री हों तो अलग आवाज़ आती है। अगर हम लोग सरप्राइज्ड हों तो अलग आवाज़ आती है। यानी हर इमोशंस के हिसाब से हमारी अलग अलग साउंड्स होती हैं। फिर से क्रिटिक्स ने यही कहा कि अगर ऐसा है तो फिर कुछ इमोशंस एनिमल्स को भी होते हैं, कुछ इमोशंस एनिमल्स को भी होते हैं, फिर एनिमल्स ने क्यों नहीं किसी लैंग्वेज को क्रिएट किया, किसी लैंग्वेज को इन्वेंट किया। ये थियोरी भी रिजेक्ट हो गई, लेकिन ये थियोरी काफ़ी पावरफुल है। काफ़ी सारे क्रिटिक्स का मानना है कि जो लैंग्वेजेस की ओरिजिन हुई है, ये थियोरी उसका बेस है। कहीं ना कहीं सभी लोग इसको मानते हैं, बिलीव करते हैं। अगली वाली जो थियोरी है वो है डिंग डोंग थियोरी। इसे रिप्रेजेंट किया था मैक्स म्यूलर, एक बहुत बड़े जर्मन स्कॉलर हैं, उन्होंने इस थियोरी को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, उन्होंने क्या बताया था कि हर ऑब्जेक्ट की एक साउंड रहती है, उस साउंड के हिसाब से वर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं। जैसे कि पानी गिर रहा है तो उसकी एक आवाज़ आएगी, छपाक, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसे एक वर्ड दिया गया। उनका ये भी मानना था कि ऑब्जेक्ट की तो साउंड रहती है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स की रिदम भी रहती है, ठीक है। यानी जिस तरह से हम मूवमेंट कर रहे हैं तो उस तरह से कुछ आवाज़ हमारी निकलती है। जैसे कि एक इंसान है, काफ़ी खुश है, हल्के से डांस कर रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कोई सॉन्ग, कोई गीत उसके मुंह पर आएगा, ठीक है। अब उसके मुंह पर डांस करते हुए मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, बराबर है। तो जो हमारी मूवमेंट है तो वो रिलेटेड होती है लैंग्वेजेस से। याद रखिए, वो थियोरी थी, वो है इमिटेशन ऑफ साउंड, ठीक है, लेकिन डिंग डोंग थियोरी क्या है? ऑब्जेक्ट्स की साउंड रहती है और ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक तरह की मूवमेंट रहती है। जैसे कि बच्चे हैं तो वो किससे सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से। जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं खाओ दादा या मामा या बाबा, या अगर कोई डॉगी हो तो बोवो, इस तरह से। डिंग डोंग थियोरी के बिलीवर्स का मानना है कि जिस तरह से हवा चल रही है उसकी भी एक खास आवाज़ है, तो उसे नाम दिया गया है जैसे ब्लो या इस तरह का कोई वर्ड। पानी बह रहा है तो उसकी एक खास आवाज़ होती है। या अगर जंगली लोग हैं, वो एक कैंप फायर बनाते हैं और उसके अराउंड वो लोग डांसिंग कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो उनकी जो मूवमेंट रहेगी उसके हिसाब से कोई वो मतलब सैवेज सॉन्ग ही गाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक कैंप फायर है, काफ़ी सारे सैवेज पीपल है और उधर वो एक काफ़ी अच्छी पोएम पढ़ रहे हो जैसे लप्पे आती है या एकदम रिलैक्स, ऐसे नहीं है, ठीक है। एक लास्ट थियोरी है जिसका नाम था द जेस्चर थियोरी। इसे रिप्रेजेंट किया था विलहेम वुडंट ने। विलहेम वुडंट काफ़ी बड़े स्कॉलर हैं। उनका मानना था कि स्टार्ट में, इनिशियल में जब लैंग्वेजेस बन रही थी तो हर लैंग्वेज के साथ एक साइन था, एक इशारा था, एक जेस्चर था बॉडी का, ठीक है। जैसे अगर उन लोगों को कहना हो इधर आओ तो ऑटोमेटिक उनका हाथ वैसे हिलता था, या अगर कहना हो उधर जाओ तो ऑटोमेटिकली उनका हाथ उस पोजीशन में हिलता था। विलहेम वुडंट मानते हैं कि अभी भी जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है वो इसी हिसाब से होती है, ठीक है। हम किसी को ये नहीं कहते चुप रहो और हमारा हाथ हमारे कान पर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉडी मूवमेंट है ये किसके हिसाब से है? हमारी लैंग्वेज के हिसाब से। तो स्टार्ट में हर वर्ड के साथ एक जेस्चर जुड़ा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता ये थ्योरी मतलब सही होगी, क्योंकि वर्ड्स तो ढेर सारे हैं और कब तक हम लोग जो है तो बॉडी को मूवमेंट देते रहेंगे, ठीक है। मूवमेंट्स लिमिटेड हैं लेकिन वर्ड्स जो है तो अनलिमिटेड हैं। आगे आते हैं हम लोग पर्पस ऑफ लैंग्वेजेस पर। जितनी भी सारी भाषाएं, जितनी भी सारी लैंग्वेजेस दुनिया में हैं, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, अरेबिक हो, इटालियन हो, रशियन हो, या जो कुछ भी, व्हाट्सो एवर, स्कॉलर्स मानते हैं 6,000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। इनके पर्पजेस क्या हैं? चार इंपॉर्टेंट पर्पज़ हैं, बताता हूँ। सबसे पहला है मालूमात देना, इंफॉर्मेशन देना या इंफॉर्मेशन लेना। लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं हम? कोई चीज़ कहने के लिए, कोई चीज़ बोलने के लिए, या कोई चीज़ मालूम करने के लिए।
दूसरा पर्पज़ है लैंग्वेज का हमारे इमोशंस बताने के लिए, ठीक है, जो कुछ हमारे दिल में है, हमारी जो फीलिंग्स है वो बताते हैं हम लोग। थर्ड वन है एस्थेटिक रीज़न। आप चल रहे हैं, आपको एक सुंदर सा फूल दिखा और आपने एक पोएट्री लिख दी उसके ऊपर। और लास्ट वाला जो रीज़न है वो है टू रिलीव टेंशन, ठीक है। कभी कभार टेंशन को रिलीव करने के लिए भी हम लोग वर्ड्स बोलते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, गली में स्ट्रीट में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से एक बच्चा काफ़ी हेल्थी है, स्ट्रांग है, और एक बच्चा काफ़ी वीक है। हेल्थी वाला जो बच्चा है वो वीक वाले को एक फाइट मारता है और वहाँ से आगे चला जाता है, ठीक है। जो वीक बच्चा है वो पलटा के उसको मार नहीं सकता है, बराबर है, तो वो कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करता है। मैं यहाँ पर वो वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं करना चाहूँगा, आई होप कि तुम समझ गए होगे। तो वो जो वर्ड्स वीक बच्चा उस स्ट्रांग बच्चे को कह रहा है, क्यों कह रहा है, टू रिलीव टेंशन। मार खाने के बाद उसे टेंशन आई थी और अपनी लैंग्वेज के थ्रू उसने उस टेंशन को रिलीज़ किया, ठीक है। गुस्से में उसने जो कुछ बोला है तो वहाँ उसका पर्पस इन्फॉर्मेशन देना नहीं था, ठीक है, या एस्थेटिक भी उसका पर्पस नहीं था कि उसको काफ़ी अच्छा लगा तो उसने कुछ पोएट्री कह दिया वहाँ पर। मार खाने के बाद उस बच्चे का पर्पस था टू रिलीव टेंशन। तो ये चार पर्पस हैं लैंग्वेज के। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हमारा कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन? हम लोग ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेजेस कब बनी, कब डेवलप हुई, बिल्कुल मुश्किल है कहना। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर साउंड्स हैं, जिसके अंदर मीनिंग्स हैं, जिसके अंदर रिटर्न सिंबल्स हैं और पिक्चर्स हैं। जब हम एक वर्ड कहते हैं तो उसकी कुछ साउंड होती है, जैसे पेन, उसका कुछ मीनिंग होता है, जैसे लिखने की चीज़, उसका कुछ एक सिंबल होता है, जैसे PEN, पेन, ये सिंबल हो गया, और लास्ट में उसके साथ एक पिक्चर अटैच होती है। मैं पेन कहूँ तो आपके आपके जहन के अंदर चार्जर कभी नहीं आएगा। जो भी थियरीज है लैंग्वेज की वो पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ पॉइंट्स सही है लेकिन कुछ पॉइंट्स को क्रिटिक्स ने हर टाइम में, हर जेनरेशन में रिजेक्ट किया है। सारी की सारी जो थियरीज हैं कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक वो सही हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि लैंग्वेजेस जिंदा होती हैं, लिविंग होती हैं, और मुर्दा भी होती हैं, डेड भी होती हैं, जिन्हें अब कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। हम कह सकते हैं कि बोली जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं वो काफ़ी पहले आ गई थी दुनिया में, ठीक है, और उसके हज़ारों लाखों साल के बाद में लिखी जाने वाली लैंग्वेजेस आई, क्योंकि लोगों के पास लिखने के साधन नहीं थे। जैसे एनिमल स्किन हो गई, या ट्री की बार्क हो गई, छाल हो गई किसी पेड़ की, या फिर केव के अंदर जो दीवारें थी वो हो गई, या लैपटॉप वगैरह उनके पास लिखने के लिए नहीं थे, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स अपने आइडियाज़ को बता सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। हम मानते हैं कि एनिमल्स भी आवाज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन वो आवाज़ों के ज़रिए अपनी सारी फीलिंग्स नहीं बता सकते, बहुत लिमिटेड फीलिंग्स बता सकते हैं। तो गाइज़, ये लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।